चर्चा में है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसे लेकर पहले ही बयान दे चुके। देखते जाइए, जो छात्रों के हित में होगा वो सब कुछ होगा। राजस्थान बोर्ड के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज ऑफिस से अपने निकल चुके हैं और अब लाइव आके कुछ ही देर में बच्चों के रिजल्ट की घोषणा करने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं देने वाले छात्र बेसब्री से रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। उनके लिए अभी 2 मिनट पहले आई बहुत ही बड़ी खबर, चाहे वो 10वीं के छात्र हो या फिर 12वीं के, सभी परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। लाखों छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज उनका इंतजार भी खत्म होगा। सीबीएसई समेत सभी बोर्ड अपना रिजल्ट घोषित कर चुके हैं, अब केवल राजस्थान बोर्ड के नतीजे रह गए हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप, हम बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा के ऑफिस में हैं, इनसे भी हुई खासा बातचीत में इन्होंने ये साफ कर दिया। शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अंतिम रूप ले रहा है। राजस्थान बोर्ड ने रात में ही पूरी तैयारी कर ली है, अब केवल और केवल रिजल्ट घोषित करना ही बाकी रह गया है। बच्चों को रिजल्ट निकालने के लिए करना क्या होगा, राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां रोल नंबर और विद्यालय कोड दर्ज करा के वो अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने वेबसाइट भी जारी की है, rbsc.result.nic.in, rbsc.government.in वाली वेबसाइट पर भी आप नतीजे चेक व डाउनलोड कर पाएंगे। प्ले स्टोर से भी ऐप इंस्टॉल करके निकाल पाएंगे।